हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और राइट नाउ हम आए हुए हैं एम्बियंस मॉल रिटेलिंग बुल्स पे। तो बहुत दिनों से एक कमेंट आया था मेरे को कि भाई सिरेमिक कोटिंग का प्रोसीजर समझाओ, कुछ बताओ उसके बारे में। तो हमने कहा क्यों ना एक ब्लॉग बना दिया जाए। राइट नाउ हम आए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस्ट गाड़ी आई हुई है टाटा की, ब्रांड न्यू हैरियर। तो ये है हैरियर और इस पर काम चल रहा है इस टाइम पे सिरेमिक कोटिंग का। फर्स्ट प्रोसीजर ये हो रहा है कि गाड़ी के ऊपर हल्की सी, भाई ये क्या हो रहा है? ओके, तो ये वैक्सिंग हो रही है। तो भाई पहला प्रोसीजर क्या होता है? पहला प्रोसीजर रबिंग पॉलिशिंग। तो रबिंग और पॉलिशिंग हो रही है गाड़ी के ऊपर, तो करिए जिससे आपको मैं बता देता हूँ। तो रबिंग और पॉलिशिंग करवाने का प्रोसीजर ये होता है कि जो ऊपर के ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस आते हैं तो हल्का सा वो लेयर को हम हटा देते हैं, छोटे मोटे स्क्रैचेस डस्ट होती है वो हट जाती है, और उसके बाद सिरेमिक कोटिंग की लेयर बना देते हैं, और लेयर बनाने के बाद गाड़ी में शाइन रहती है और माइनर से जो स्क्रैचेस होते हैं वो गायब हो जाते हैं। पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और वीडियो के एंड में आपको इसका प्राइस बताएंगे एंड यहाँ की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस के साथ दी हुई है। तो चलिए प्रोसीजर देखिए। तो कंपाउंड कौन सा यूज करते हैं आप? मैन जन्ना 3M। ओके, 3mm का। ओके, दिस इज वाटर, ओह माय गॉड। ओके, गाड़ी के ऊपर दो प्रोसीजर हो चुके हैं। थर्ड प्रोसीजर डायरेक्ट सिरेमिक कोटिंग जो है इस पर अप्लाई होगी, एंड डायरेक्ट अप्लाई इसलिए होगी बिकॉज ब्रांड न्यू कार है तो उसके ऊपर ज़्यादा रबिंग और पॉलिशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है या लेयर्स को हटाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ब्रांड न्यू कार है। अगर यही थोड़ी पुरानी गाड़ी होती तो इसके ऊपर जो डस्ट होती वो लेयर से जम जाती है, तो उसको हटाने के लिए थोड़ा और ही अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स। बट राइट नाउ दिस इज़ ब्रांड न्यू कार एंड यू नो दैट दिस इज़ द बेस्ट कार इन द सेगमेंट राइट नाउ, तो उसके लिए डायरेक्ट अप्लाई करेंगे सिरेमिक कोटिंग। तो चलिए देखते हैं ये वाला प्रोसीजर भी। पहली लेयर हो चुकी है, नाउ इसको हीटिंग के लिए दिया है। ऑटोमेटिक हीटर है ये, अपने आप हीट रेजिस्ट करता है जितनी देर हीट देनी है, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। ये अच्छा सिस्टम है। 3 लेयर इस पर टोटल अप्लाई होंगी, फर्स्ट हो चुकी है। डन हो चुका है प्रोसीजर। जो कॉस्टिंग आई है इसकी आई है 18,000 फॉर 3 लेयर्स, और टाइमिंग अराउंड लगता है 6 से 7 घंटे मैक्सिमम, और कंप्लीट रिजल्ट आपके सामने है, इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो इस व्लॉग में इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे होती है सिरेमिक कोटिंग और डिटेल्स पूरी दी। व्लॉग को देखने के लिए थैंक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। फीस कौन से वाला ये नहीं पता, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।